सेंटर्स के अंदर टेस्टिंग रैपिड टेस्टिंग किट्स लगाए गए हैं जिसकी वजह से टेस्टिंग हो रही है, लेकिन तमाम आवाम से जैसा कि आपने देखा कि दो रोज कबल बैरिस्टर सरोजुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपना टेस्ट जाकर चार मीनार दवाखाने में टेस्ट करवाया। मेरी तमाम आवाम से गुजारिश है कि इसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग निकलिए टेस्ट कराइए। जैसा गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ यहाँ पर 26 लोगों ने टेस्ट करवाया जिसमें से 6 लोग पॉजिटिव निकले, ताकि वो मालूम तो हो गया कि भाई वो पॉजिटिव है और इमीडिएटली वो ट्रीटमेंट लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी है और ठीक भी हो जाएंगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आप टेस्ट नहीं कराएंगे तो पता कैसा चलेगा कि किसको ये वायरस ने अफेक्ट किया है और किसको नहीं किया है? अगर आप टेस्ट करा लेंगे, अगर मालूम हुआ आपको कि है, तो ये आपके ना सिर्फ आपके ख़ानदान वाले आप महफूज रहेंगे बल्कि आप भी दवा ले तदाबीर कर दवा लेकर आप भी ठीक हो जाएंगे। ना कि ये कि आप सीरियस हो गए बाद दवाखाने फिर रहे, वहाँ बेड नहीं मिल रहा, यहाँ बेड नहीं मिल रहा, वो तकलीफ से बेहतर है। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि निकलिए, सब लोग निकल कर टेस्ट कराइए। हमने नुमाइंदगी कर मलकपेट के अंदर, चाहे पुराने शहर के अंदर, तकरीबन जगहों के ऊपर ये सेंटर्स लगाए हैं, आप जाकर टेस्ट कराइए। मलकपेट के अंदर 3 जगह सेंटर है, आज़मपुरा वार्ड ऑफिस, मुमताज़ कॉलेज के बाजू PSC है वहाँ पर एक, और शालीवाना नगर भी, कहीं भी जाकर टेस्ट कराइए, मगर टेस्ट कराइए। तभी हम टीबी हॉस्पिटल में भी चालू हुआ है इंशाल्लाह, डबिलपुरा TB हॉस्पिटल, तो आप लोग मैक्सिमम निकल कर टेस्ट कराइए ताकि मालूम हो सके कौन कौन इस वायरस से मुतासिर है और कौन नहीं है। जो भी मुतासिर है उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आज किसी को आया है, कल मेरे को आएगा, हर एक को आएगा ये वायरस, तो हर एक कोई बचने वाला नहीं है इससे, तो हम बिफोर हैंड टेस्ट करा लेकर हमारा इलाज करा लेना बेहतर है। आपसे गुजारिश है कि निकलिए और टेस्ट करा।